नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऊधम सिंह नगर जिले में मिले कोरोना के दो नए मामले। प्रदेश में 57 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आज 551 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने की तैयारी तेज। देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर किया जा रहा है ऑनलाइन पंजीकरण। चरणबद्ध तरीके से होगी घर वापसी। प्रदेश के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जनपदों के लोगों की होगी जांच। और विधानसभा सत्र आयोजित नहीं होने के कारण ऑनलाइन होगा प्रश्नों का समाधान। विधायक मेल से भेज सकेंगे अपने प्रश्न। कोरोना संकट के चलते लिया गया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में कोरोना संक्रमित दो मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों को सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में भर्ती किया जा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिताभ प्रीति ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 57 हो गई है। राहत की बात यह है कि आज कोरोना की 551 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। प्रदेश में अब तक 36 मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को वापस लाने की एडवाइजरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने भी दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी की कवायद शुरू कर दी है। सरकार की योजना लोगों को चरणबद्ध तरीके से सकुशल वापस लाने की है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अन्य राज्यों में फंसे लोगों की सुरक्षित घर वापसी का जिम्मा राज्यों को सौंपा है। केंद्र का आदेश राहत भरा है। उन्होंने कहा कि राज्य आपस में तय करेंगे कि उनके यहां फंसे नागरिकों को कैसे वापस लाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने सभी राज्यों में फंसे नागरिकों की सूची तैयार करेगी। उसके बाद उन राज्यों के साथ वार्ता कर आने जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है जिसमें प्रवासी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तराखंड में भी कई राज्यों के लोग फंसे हुए हैं। घर पहुंचाने के बाद सभी को होम क्वारंटीन या जरूरत पड़ने पर जारी गाइडलाइन के अनुसार संस्थागत क्वारंटीन भी किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारी तय किए हुए हैं। सचिव परिवहन शैलेश बगोली और आईजी कुंभ मेला संजय गुंज्याल को जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में इस मामले की रणनीति तैयार की गई। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि जिन प्रदेशों के लोग यहां लॉकडाउन के चलते रोक दिए गए थे उनकी वापसी का इंतजाम किया जा रहा है। संबंधित राज्यों से समन्वय बनाकर जल्द ही ऐसे लोगों की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल हमारे जनपद में जो है लगभग 800 के आसपास जो है टोटल लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स, और जो है करीब 900 के आसपास जो है टूरिस्ट हैं, और इसके अलावा जो है काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट्स भी हैं। तो माननीय जो हमारा जो गवर्नमेंट के माध्यम से जो MHA के माध्यम से जो डायरेक्शन आया है उसको हम अभी पालन करने के लिए जो है एक आपसी समन्वय जो है संबंधित स्टेट से बनाने का प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ जो है स्टेट से बात भी हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है, जहाँ से जो है लोग ज़्यादा मात्रा में हैं उन लोगों से बातचीत किया है, वेस्ट बंगाल से बातचीत किया है। तो जहाँ पे ये सहमति बन रही है वहाँ पे जो है फिर सूचना शेयर कर रहे हैं। शेयर करने के बाद जो है बसेस, कितने बसेस वहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा, इसका समन्वय अभी बनाने का प्रक्रिया चल रहा है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वापस आने के बाद स्क्रीनिंग और जांच की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि देहरादून में अन्य जनपदों के जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया था उनमें से ज्यादातर को उनके घर भेज दिया गया है। अन्य लोगों को भेजने की व्यवस्था भी जल्द कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो स्टूडेंट हैं या माइग्रेटरी लेबर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो वहाँ डेली वेजेस पे काम करते थे, वो लोग अगर फंस गए हैं तो उनको रेस्पेक्टिव स्टेट्स दूसरे स्टेट की कंसेंट के साथ बुला सकते हैं। उसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि किस जगह पर कितने लोग हैं और किस जिले के हैं, उसको अभी हमने शुरू किया है। और चूंकि अभी बहुत इमरजेंसी में ही वो साइट शुरू की गई है
तो उस पर लभी अभी वर्तमान में लगभग 1800 हिट्स जो है वो पर सेकंड प्राप्त हो रही हैं, और जैसे ही उस पर रजिस्ट्रेशन हो करके हम उसके डेटा हमें प्राप्त हो जाएगा कि किस जनपद में या किस राज्य में उत्तराखंड के किस जनपद के लोग फंसे हुए हैं, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं फिर सुनिश्चित करके आगे जो परिवहन विभाग है वो इसमें कार्रवाई कर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वी चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड 19 पीसीआर टेस्टिंग लैब का ऑनलाइन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जनपदों के लोगों के सैंपल लेने में आसानी होगी। साथ ही अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जल्द टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में कोरोना के सैंपल लेने में और तेजी आएगी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 100 से अधिक सैंपलों की टेस्टिंग होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते उत्तराखंड की चतुर्थ विधानसभा के साल 2020 के द्वितीय सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विधानसभा सदस्यों से क्षेत्र से संबंधित समस्या के प्रश्नों को ऑनलाइन विधानसभा को भेजने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सत्र का आयोजन नहीं हो पाने के कारण ऑनलाइन ही प्रश्नों का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2020 के द्वितीय सत्र के लिए विधानसभा के सभी सदस्य ऑनलाइन अपने प्रश्न विधानसभा को भेज सकते हैं। एक दिन में 5 प्रश्न ही प्रेषित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विधानसभा के सभी सदस्यों को पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। विधायकों के प्रश्न विधानसभा से जारी मेल आईडी से स्वीकार किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट में विधानसभा सचिवालय विधायी कार्यों को ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूर्ण करवाया जा रहा है। आजकल कोविड 19 के कारण लॉकडाउन है और सत्रावसान के बाद हर माननीय विधायक को ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र से संबंधित या जो भी वो उचित समझें उसका प्रश्न वो लगा सकें, और लॉकडाउन है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों के साथ वो अपने सेवाएँ दे रहे हैं। हर तरह से हमारे माननीय विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ। और लेकिन जो अधिकार उनको है कि वो हर प्रश्न वो लगा सकें, तो हमने एक व्यवस्था दी है कि ऑनलाइन वो जो है सभी माननीय विधायक जो भी चाहें और वो अपना जो हमारी एक ईमेल आईडी उनको प्रदत्त है उसके माध्यम से अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाने को कहा है। राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शोभा रावत, राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार और जयहरि खाल दोनों महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। उनका कहना है कि वो समय सारणी बनाकर रखती हैं, विद्यार्थियों को एक दिन पहले बता दिया जाता है और अगले दिन तय समय पर उनको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करके पढ़ाया जाता है। हमने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम बच्चों को सेल्फ ऑडियो बनाकर उसमें भेज रहे हैं, या फिर पीपीटी के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से उन्हें पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम मीटिंग की जो लिंक है उसके द्वारा हम फेस टू फेस बच्चों को भी पाठ्यक्रम की सामग्री दे रहे हैं। हमारा पहले से ही टाइम टेबल फिक्स है कि टाइम टेबल के अनुसार ही हमने बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पता है कि टाइम टेबल में जो टाइम है हमने उस समय तैयार रहना है, और पाठ्यक्रम हम उनको पहले ही ऑनलाइन दे चुके हैं तो उन्हें पता है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है और उसी के अनुसार हम पढ़ाते हैं। धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं ग्रुप में, हम बार बार यही मैसेज डाल रहे हैं कि आप जिनको जानते हैं विषय से संबंधित बच्चों को जोड़िए और अपने आप भी टाइम टेबल के अनुसार तैयारी कर रहे हैं, और बच्चे इससे खुश भी हैं। कोटद्वार महाविद्यालय की छात्रा सोनिया नेगी ने कहा कि उन्हें यह विधि पसंद आ रही है, घर बैठे ही कॉलेज की पढ़ाई भी हो रही है और कोरोना के खतरे से भी बच रहे हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हमारे जो टीचर्स हैं वो व्हाट्सएप में ग्रुप बना के हमको लिंक भेजते हैं, तो उस लिंक के थ्रू हम सब के सब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उसमें ऐड होते हैं, जिससे हम सब के सब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और सर लोग उसमें हमें काफ़ी चीज़ें पढ़ाते हैं, मतलब आधे आधे घंटे की क्लासेस चलती हैं, जिससे हम लोग पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता और फ़ोन से हम आराम से पढ़ भी लेते हैं और घर पे खाली भी नहीं बैठे रहते। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान पीएचडी शोधार्थी अंजलि जुयाल कोरोना महामारी के कारण कोटद्वार स्थित अपने घर में ही हैं। अंजलि अपने घर से ही ऑनलाइन पढ़ा रही हैं।
दोनों किस्म के इमोशंस मुझे बच्चों में देखने को मिले हैं। बच्चे उत्साहित भी हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रभावित भी हैं कि जो टीचर्स का पढ़ाने का जज्बा है वो हर एक स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई और बचा हुआ कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। बहुत सारी ऐप्स के थ्रू उनके जितने असाइनमेंट्स हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं कि उनका कार्य ना रुके, उनकी डिग्री के ऊपर कल को कोई बात ना आए, इसलिए सारा का सारा कार्य जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से पूरा किया जा रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनको दी जा रही हैं, फिर जो उनके नोट्स या स्टडी मटेरियल हैं उन सबको इकट्ठा करके उनको गूगल क्लासरूम में अपलोड किया जाता है और सारे स्टूडेंट्स को उसमें ऐड किया जाता है कि ताकि बच्चों पर नोट्स भी समय से पहुँचे। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान की बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा नमीरा बानो ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई का ये सिस्टम आने वाले समय में कई प्रकार की समस्याओं का हल करने में कारगर सिद्ध हो सकता है। जैसे कि सिचुएशन है जहां हम नहीं जा पा रहे लेकिन हमारी कोई भी पढ़ाई या कोई भी वर्क ऐसा है जो कि हम इजीली तो है वहां फिजिकली प्रेजेंट रहकर ना कर हम ऑनलाइन उस चीज को कम्पीट कर पा रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से एक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा जिससे हमें और ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज मिल सकते हैं। उन वो लोग जो कि नहीं जा पाते हैं लाइक स्पेशल चिल्ड्रन जिन्हें हम कह सकते हैं किसी डिसेबिलिटी की वजह से जो नहीं जा पाते उन लोगों को भी इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है। प्रधानमंत्री अन्न योजना लॉकडाउन में गरीबों के लिए मददगार साबित हो रही है। अल्मोड़ा जिले में भी योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को 2 माह का चावल दिया जा रहा है। प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो चावल दिया जा रहा है। पूर्ति विभाग के आंतरिक सहायक भुवन बिष्ट ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी कार्ड धारकों को एडवांस राशन दे दिया है। तो यहां पर भी बीपीएल का जो 3 महीने का राशन का कोटा था वो तो दे दिया गया है, 3 महीने का कोटा जून तक का। और ये जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों को 2 महीने का फ्री राशन वो बढ़ रहा है, वो ये कार्ड ऑनलाइन जांच करके इनको वितरण किया जा रहा है। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता अभय साह ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना गरीबों के लिए अत्यंत लाभकारी योजना है। कार्ड धारकों के लिए 6 माह तक का राशन उपलब्ध हो गया है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों के लिए राशन वितरण करा है। फ्री जो चावल आया है हम लोग फ्री चावल वितरण कर रहे हैं 2-2 महीने का, और उससे पूर्व में हम 2-2 महीने का राशन कार्ड धारकों को वितरण कर चुके हैं। लाभार्थी प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मिलने वाले राशन से खुश हैं। उनका कहना है कि काम पूरी तरह बंद होने के कारण दिक्कतें हो रही थी लेकिन अन्न योजना से कुछ दिक्कतें दूर हो गई हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना चला के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया है जिससे लोगों को राशन की असुविधा नहीं हो रही है, जो सुविधा मिल रही है उससे लोग प्रसन्न हैं। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। राजधानी देहरादून समेत अन्य मैदानी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 1 और 2 मई को मौसम के सामान्य रहने का अनुमान है जबकि 3 और 4 मई को पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान जारी किया गया है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उधम सिंह नगर जिले में मिले कोरोना के 2 नए मामले। प्रदेश में 57 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आज 551 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने की तैयारी तेज। देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर किया जा रहा है ऑनलाइन पंजीकरण। चरणबद्ध तरीके से होगी घर वापसी। प्रदेश के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जनपदों के लोगों की होगी जाँच। और विधानसभा सत्र आयोजित नहीं होने के कारण ऑनलाइन होगा प्रश्नों का समाधान। विधायक मेल से भेज सकेंगे अपने प्रश्न। कोरोना संकट के चलते लिया गया निर्णय। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।